हमारे मध्य साई बाबा से श्री राधा माधव जी के परम चरण अनुरागी प्रभु जी भैया जी पधारे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए किनके पद वंदन किए नाशयी विघ्न अनेक नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। श्री लाडली लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय श्री लाडली जू रसोत्सव की जय पूज्य महाराज श्री की जय अनंत कोटि सब संत विष्णु भगवान की जय आप सभी भक्तों की जय। बहुत सुंदर बात, दो मिनट के अंदर में ही मेरी समापन करने की इच्छा है, इसलिए मंगलाचरण भी जल्दी जल्दी करवाया। आपको एक बात बताएं, जहां महापुरुष कह चुके हूं उसके बाद में कहने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसा निर्देश मिले यदि वो कहें कि आपको कुछ कहना है तो हमें कुछ कह देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात, भक्तमाल की कथा हो रही है, श्याम सुंदर विराजित हैं और संत स्वरूप संत भगवान कथा कह रहे हैं, मेरे बगल में भी संत भगवान विराजित हैं। आपको एक बात कहनी थी, ये माया नगरी है, इस माया नगरी में संत आए ना, जहां संत पहुंचते हैं नाम रूप लीला धाम चारों वस्तु एक ही है, जहां नाम है रूप है लीला है वहां धाम प्रगट है। तो आज मोदी नगर नहीं, ये वृंदावन धाम हो गया। और आपको एक बात बताएं, एक वृंदावन धाम जो परिचय दिया साहिबाबाद में, श्री राधा माधव जी विराजित हैं, श्यामा श्याम अपने धाम के बिना कहीं विराजित नहीं होते, उतना क्षेत्र उनका धाम होता है। तो एक बात आपको कहें, हमसे जुड़े हुए 5-6 हजार जिनमें अधिकांश युवा ने हैं, कोई न्यूज चैनल बैंक सब में काम करते हैं, श्रीमन नारदीय भगवत निकुंज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे SNBN नाम से मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे हम में 90% जवान लोग हैं, 200-250 तो हम इतने छोटे स्थान में डेली घुस जाते हैं, अब भगवान की कृपा से बड़े स्थान की व्यवस्था हुई है, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं पूज्य महाराज श्री वहां पधारे थे, इन्होंने कहा हमें तो वृंदावन का वो छोटा सा निकुंज ध्यान में आ गया यहाँ श्यामा श्याम के दर्शन करके। हम आपको एक छोटी बात और कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, समय का अतिकाल हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस समय कुछ भी काम नहीं आएगा, आज के इन 3 दिनों में आप जो श्रवण करेंगे, जो क्षण में है सज्जन संग तिरे का भवति भवार्णव तरणे नौका, क्षण मात्र का संतों का संग कितना फलदायी होता है। एक दिन जब आप डायरी में अपना रजिस्टर ठाकुर जी के यहाँ आपका उसकी सुनवाई की जाएगी, उस दिन आज की ये जो घड़ियां हैं ये गिन गिन के इनका हिसाब जब आपको मिलेगा तो आप कहेंगे ऐसे रसोत्सव होते रहे। आपको सच बताएं, तूर्णम यतेतन पते दनु मृत्यु यावन्नी, बहुत जल्दी यतन कर लीजिए, वरना संसार में सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, माता पिता भी वही सिखाएंगे 1-2 का 4 और 4-2 का 1, आप समझ लीजिए। एक छोटी सी बात कह के बात समापन कर देता हूँ, आपने देखी सारी, एक बुढ़िया मैया बस में चढ़ती थी, कंडक्टर जब आता था टिकट बोलता था तो वो बुढ़िया 1 रुपया देती थी और साथ में एक भीगा हुआ बादाम देती थी, रोज 1 रुपया टिकट का और साथ में एक भीगा हुआ बादाम। एक दिन कंडक्टर की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा मैया तुम तो मेरी गुजरी हुई मां जैसी लगती हो, इतना प्यार मुझसे, इतना प्यार कि 1 रुपये टिकट का 1 रुपये भी देती हो और बादाम भी भगो के लिए मेरे लिए लाती हो। तो बुढ़िया मैया ने कहा बेटे प्यार व्यार की कोई बात नहीं, दांत उखड़ गए हैं, बेदांती हो गई हूँ, पोपली हूँ, जितना बादाम चूस सकती हूँ चूस लेती हूँ, बाकी तेरे लिए दे देती हूँ। आप जानते हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें यही चीज बताई, बेटा यही गृहस्थी का चक्कर, गृह कारज नाना जंजाला, सोई अति दुर्गम शैल विशाला, बेटा बस हरि का तुम पेट का धंधा करो,
हैं, मात पिता बालक ही बुलावही, उधर भरई सोई धर्म पढ़ावही, उधर भरई सोई विद्या पढ़ावही। बेटा ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे, 4 करोड़ के 8 करोड़, फिर 16 करोड़, 25 करोड़ कैसे करोगे? लेकिन जीवन में जो असली धन काम में आएगा वो कौन बताएगा? ये परंपरा माता पिताओं ने चलाई थी, वही भीगा वो बादाम आप लेते हुए आ रहे हैं और सोच रहे हैं इसमें बड़ा रस है। वो असली रस रसोत्सव में जब जाएंगे, संतों के समक्ष जाके बैठेंगे, तो सब कुछ सत्य नीर क्षीर विवेक का आपको पता लग जाएगा। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय, श्री भक्तमाल रसोत्सव की जय, पूज्य महाराज श्री की जय, जय जय श्री राधे।